रोड यहाँ इतनी खराब है कि रोड के लिए जितना भी बोला जाए वो कम है यहाँ काली माता के दर्शन करने के लिए। राघवी का भाई राघव, अभी माता रानी के दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं ये उत्तराखंड जाने की। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हुई है, 10 बज रहे हैं अभी। आज के व्लॉग की शुरुआत भी हिमाचल से हो रही है। तो आज हम जा रहे हैं कालका, हमारा फैमिली डॉक्टर है वहाँ, मुझे दिखाना है और पापा का काम भी है थोड़ा बहुत। तो पहले चलते हैं, एक बार डॉक्टर को दिखा देते हैं, उसके बाद बाकी देखते हैं कब तक घर जा पाते हैं। और फैमिली डॉक्टर बोले तो बचपन से मेरे को उन्होंने ही देखा है। बचपन में जब मेरी तबीयत ख़राब होती थी तो उनको ही दिखाते थे, तो अभी जब भी मेरी तबीयत ख़राब होती है तो हम उनको ही दिखाते हैं। तो आज फिर से हम जा रहे हैं उनके पास और मैं तैयार हो गई हूँ। अभी मम्मी और पापा तैयार हो रहे हैं और अभी मम्मी भी तैयार हो गई है और पापा भी तैयार हो गए, तो अब हम जा रहे हैं। अभी पापा ने काफ़ी टाइम से गाड़ी धूप पर रखी थी तो पापा चले गए हैं गाड़ी स्टार्ट करने के लिए। थोड़ी देर मैं और मम्मी बाहर पे हैं जब तक गाड़ी ठंडी नहीं हो जाती, उसके बाद हम जाएंगे अंदर। और अभी हमने डॉक्टर को भी दिखा दिया है तो अब हम जा रहे हैं काली माता के दर्शन करने के लिए। जैसे ही हम यहाँ पहुँचे तो आज हिमाचल प्रदेश में वोट है जिसकी वजह से सभी लोगों की छुट्टी है, पर अभी हम हरियाणा में हैं तो यहाँ आज सभी लोग आ रखे हैं काली माता के दर्शन करने के लिए। और यहाँ जितनी भी गाड़ियाँ दिख रही है सभी लोग जा रखे हैं अंदर मंदिर में दर्शन करने के लिए और सबकी गाड़ियाँ यहाँ पार्क है। तो अभी पापा भी जगह ढूंढ रहे हैं गाड़ी पार्क करने के लिए। और यहाँ गर्मी इतनी है कि हालत ख़राब हो गई है और ऊपर से रोड यहाँ इतनी ख़राब है कि रोड के लिए जितना भी बोला जाए वो कम है। अभी चलते हैं, पहले माता रानी के दर्शन कर देते हैं और थोड़ी देर इंतज़ार के बाद अभी हमें पार्किंग के लिए जगह भी मिल गई। और जब भी मैं यहाँ आती हूँ इस रोड पे यही दिक्कत है कि इस रोड पे जाम बहुत लंबा लगता है। तो मंदिर में जाने से पहले सबसे पहले हम यहाँ से प्रसाद ले रहे हैं और अभी हमने प्रसाद ले लिया है और इतनी सारी भीड़ लगी हुई है मंदिर में। कर रहे हैं अपनी गाड़ी आने का और पापा पता नहीं जाम में कौन सी जगह फंसे होंगे कि अभी इन गाड़ियों में दूर दूर तक हमारी गाड़ी नहीं दिखाई दे रही है। और अभी थोड़ी देर इंतजार करने के बाद पापा भी आ गए हैं तो अब हम निकलते हैं यहाँ। और अभी हम आ गए हैं घर और गर्मी इतनी है यहाँ कि मुझे लगा दिल्ली में ही गर्मी है, पर यहाँ भी दिन में गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। और अभी फिर से हो गई है शाम, तो शाम को हमारा रोज का काम होता है घूमने का, पर आज हम घूमने नहीं जा रहे हैं, आज हम जा रहे हैं मामी लोगों के घर राघवी से मिलने के लिए। और राघवी लोगों का घर हमारे घर से थोड़ा दूर है, चल के जाना पड़ता है और यहाँ चलने में इतनी भयंकर हालत ख़राब हो रही है इस गर्मी में। तो इस बिल्डिंग में रहते हैं मेरे मामा लोग सबसे ऊपर और यहाँ की सीढ़ियाँ चढ़नी इतनी भारी होती है कि क्या बताएं, पर ना चाहते हुए भी चढ़नी पड़ती है। और आज सुबह से हिमाचल में मौसम पहले ख़राब हो रहा है, जैसे हम सोच रहे हैं बारिश आने वाली है उतने में मौसम ठीक हो जा रहा है। तो अभी भी मौसम लगभग ख़राब हो गया है, तूफान आ रहा है पर बारिश नहीं होगी। तो ये है राघवी का भाई राघव, अब ये इतना बड़ा हो गया है, जब मैं पिछली बार आई थी तो ये रो ही रहा था, तो अब ये 10 महीने का हो गया। ये है राघवी, चल हाई कर, अब हाई कर दे। तो ये अभी खाने में बिजी है, ये कुरकुरे लवर है इसलिए मैं जब भी आती हूँ इसके लिए कुरकुरे लेके आती हूँ क्योंकि इसको कुरकुरे बहुत पसंद है। मेरे साथ भी जाएगी आज, मेरे घर भी जाएगी, तो ये हमेशा तैयार रहती है जब भी मैं आती हूँ तो इसको मेरे साथ मेरे घर जाना होता है। यहाँ से तो ये चल लेती है, जब घर जाती है फिर ये रोने लगती है, इसके साथ ये एक दिक्कत है। और एक बार फिर से राघवी आ गई है हमारे घर पे, यानी कि अपनी बुआ के घर पे। तो ये मेरी मम्मी की भतीजी है यानी कि मेरे मामा की बेटी है, तो
ये बेचारी बहुत इनोसेंट है। क्या ये आपकी बुआ के कपड़े हैं और आते ही ये अपने बुआ के कपड़ों को छेड़ने लग गई है। और यहाँ आते ही सबसे पहले इसे टीवी देखनी थी, तो टीवी में इसका जो कार्टून है वो अभी नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले इसने यहाँ आके फ़ोन पकड़ लिया है और लग गई है कार्टून देखने पे। और आज हो सकता है कहीं बारिश हो रही हो, तो आज हल्की फुल्की बूंदाबांदी यहाँ भी होने लग गई है अभी। और अभी थोड़ी देर बारिश हुई, हमें लगा कि आज रात बारिश होगी, पर थोड़ी देर बूंदाबांदी के बाद बारिश भी बंद हो गई है। और हमें लगा था कि राघवी रात रोएगी, पर राघवी अभी रो गई और उसको छोड़ के मैं आ गई हूँ उसके घर। और आज है दूसरा दिन, तो अभी हमने नाश्ता कर दिया है। और मेरी मम्मी, जब से मैंने अपनी मम्मी को बोला है कि हमें आम का अचार बनाना है, तब से मेरी मम्मी के दिमाग में एक ही बात घुस रखी है कि आम का अचार बनाना है, चाहे कुछ हो जाए। तो अभी हमने बाहर से एक बच्चा बुलाया है, वो उसे आम तोड़ रहा है और यहाँ पे फेंक रहे हैं। और जब हम छोटे थे तो हम भी ऐसे पेड़ों पे चढ़ते थे, पर अब वजन ज़्यादा हो गया जिसकी वजह से हम अब पेड़ों में नहीं चढ़ते हैं। और वो ऊपर जा रखा है, डर मेरी मम्मी रही है कि उसको नीचे बुला वो गिर जाएगा। और आजकल यहाँ पे एनएच में काम चल रहा है, यहाँ पे फ्लाईओवर बन रहा है, जिसकी वजह से दिन में अभी धूप अभी तो ठीक है, बट थोड़ा सा हवा होती है, सारी मिट्टी वहाँ से उड़ के इधर आ जाती है। तो जब मैं आई थी पिछली बारी तब भी इसमें काम हो रहा था और अभी तक इसमें काम हो रहा है, पता नहीं कब तक ये काम पूरा होगा। क्या है, मैं तो आज या कल घर निकल जाऊँगी यहाँ से। और अभी फाइनली छोटे बच्चे ने आम भी निकाल के मम्मी को दे दिए हैं, मम्मी की ये मन इच्छा भी पूरी हो गई है। दो तीन दिन से मेरी मम्मी ने बोल रखा था कि आम निकालो आम निकालो, उस बेचारे ने पूरे पेड़ से आम निकाला और मेरी मम्मी ने यहीं पे अपना सौर दिखा दिया। मेरी मम्मी का सौर किसी कद का नहीं है। अभी हमारे लिए आम तो निकाल दिए हैं, तो अब ये निकाल रहा है अपने लिए। तो अभी थोड़ा बहुत आम हमने तोड़ के ला दिए हैं, तो अब मम्मी इसकी छटनी कर रही है। जो कटे फटे होंगे उनको साइड करेगी और जो अच्छे होंगे उन्हें घर के लिए पैक करेगी। और अभी लगभग शाम हो गई है, तो आज हम निकल रहे हैं यहाँ से उत्तराखंड के लिए। आज हमारी तैयारी हो गई है उत्तराखंड जाने की, तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ, मम्मी भी तैयार हो गई है। बाकी मम्मी ने अभी कुछ सामान लाना है अपना, तो मम्मी जा रही है अपने सामान लेने के लिए और हमें यहाँ से रात को बैठना है। अभी फाइनली हम पहुँच गए हैं 43 बस स्टैंड में और अभी सभी इंतज़ार कर रहे हैं देहरादून की बस आने का, तो अभी यहाँ पे बस नहीं आई है। और अभी काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद अभी बस भी आ गई है, तो ये बस जाएगी यहाँ से देहरादून।